हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ अपने जीके टीवी चैनल पे। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपको पहले वाली वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी। इस बार हम विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 सब डालना सीखेंगे अलग अलग वीडियो में, डिफरेंट वीडियो में। तो इस बार मैं विंडो 10 आपको कैसे डालते हैं डाल को दिखा रहा हूँ सिस्टम में। ये मेरी अलग अलग पेन ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें मेरी अलग अलग विंडो है। सबसे पहले अपने सिस्टम में हम पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। पेन ड्राइव लगाते ही एक मिनट लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाते हैं हम अपने सिस्टम को, वो करेंगे रिस्टार्ट करेंगे। हो जाएंगे बूट मेनू, F9 से आएगा इसका फ्रिक्वेंसी। ऐसे हम अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, जो भी है अपनी सैंड डिस्क, जो भी आपके है तो आप एंटर मार सकते हो उस पर। सैंड डिस्क मैंने जो पेन ड्राइव है, जो मेरी बूटेबल है, विंडो 10 है, उसमें एंटर मारो। उसमें प्रेस ही नहीं की मांगे, कुछ भी आप सिलेक्ट करवा सकते हो। उसके बाद ये विंडो आपकी बूट हो जाएगी, आप देखते जाइए। कुछ टाइम लेगा बूट होने में। कैसे फॉर्मेट करना है, जो इसका जिस भी ड्राइव में आप विंडो डालना चाहते हो उस ड्राइव को आपको फॉर्मेट करना होगा। ध्यान रहे कि आपको उसमें इम्पोर्टेंट डालना हो। ये आप देख सकते हो, ये नेक्स्ट माउस से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर रहे हो। इंस्टॉल नाउ, सर्विस स्टार्ट हो रही है आपकी। ये आपसे एक्टिवेशन, कुछ लोगों की इंक्वायरी आई थी कि जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं कि ये एक्टिवेशन की मांगता है, लेकिन ये ऑप्शन नीचे उनको कई बार दिखाई नहीं देता। आई हैव नॉट प्रोडक्ट की, इस पर आप क्लिक करके स्किप करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी जितनी विंडो 10 के फीचर हैं, प्रो, एजुकेशन प्रो एंड होम, जितने भी आप इसमें कोई भी आप 64-bit इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मुझे करनी है प्रो होम करनी है, तो मैंने होम पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, अपग्रेड इंस्टॉल। अगर आपकी पहले विंडो है, अगर आप उसको नई विंडो में अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो। हमें विंडो इंस्टॉल करनी है कस्टम फॉर्मेट करके, विदाउट फॉर्मेट करके करोगे तो भी आपको कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस करनी होगी। तो ये आपके सारे, ये आपके हार्ड डिस्क के जितने ड्राइव है सारे आ गए। तो मेरी फर्स्ट जो सी ड्राइव है उसमें मेरी विंडोज है पहले, क्योंकि डाटा मैंने उसका निकाल लिया था। तो मैंने क्लिक करके फॉर्मेट किया, ओके किया, टाइम ले रहा, फॉर्मेटिंग में टाइम ले रहा है, तो नेक्स्ट किया। ये कुछ प्रोसेस है, पहले आपकी विंडोज़ की फाइल कॉपी होंगी, फिर इंस्टॉलिंग होंगी, फिर जो फीचर्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं, लास्ट में अपडेट होता है इसका, ठीक है। ये चलता है तब तक मैं वीडियो थोड़ा स्किप कर देता हूँ, लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों। ये प्रोसेस हो रही है, आप देख लीजिए। वीडियो स्किप इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो की टाइमिंग लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप देख भी नहीं पाओगे पूरी। 26 हो गए, 31, ये 100 तक आपका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इसको चलते रहने देते हैं, स्किप करते हैं। 50 हो गए हमारे, 73 हो गए, 74, 94 हो चुके हैं, 95, 96। अब इसके बाद ये आपका पीसी जो भी है, लैपटॉप पीसी वगैरह रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक जो इंस्टॉलिंग फीचर इंस्टॉल होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर अपडेट इंस्टॉल होगा, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है विंडो रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद उस ऑप्शन पर जाएंगे। हंड्रेड हो गए हमारे, जो इंस्टॉलिंग फीचर अब इंस्टॉलिंग हो रहे हैं।
फीचर भी इंस्टॉलिंग हो गए, अपडेट्स भी इंस्टॉलिंग होगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये देखिए आप अपना पीसी जो भी लैपटॉप है ऑटोमेटिक वो रिस्टार्ट हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है सर, ऑटोमेटिक ले चलेगा हम डेस्कटॉप पे हमें, ये रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद हमारी विंडो जो है विंडो 10 जो हमने नवीन डाली वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक हमारी विंडो 10 ले ली इसने जो हमने इंस्टॉल की है। तो लास्ट जो स्टेप है हमारा सर्विसेज स्टार्टिंग का, ये आपके सामने है, टाइमिंग ले रहा है, गेटिंग रेडी। ये देखिए आप हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है सर्विस स्टार्टिंग के बाद, कुछ नहीं करना है हमें, ऑटोमेटिक होगा। देखिए दोस्तों ये लास्ट स्टेप है हमारा जिसमें यूज़र नेम वगैरह हमें पासवर्ड वगैरह जो भी सिस्टम की सिक्योरिटी है उसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें इसको मैं इसकी जो आवाज़ है वो म्यूट कर दी मैंने। एंटर मारना है और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक लेगा ये। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की वो लैंग्वेज होती है, यस यहाँ हमें इंडिया सेलेक्ट करना होगा। अभी ये हमारी जो कंट्री की है वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक दिखा देगा थर्ड नंबर पे, स्किप। इसमें हमें मेरे पास वाईफाई है लेकिन मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता, लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें ऑफलाइन ही कर देते हैं। कंटिन्यू विद लिमिटेड स्टेप, नाम जो भी है मेरा यूज़र, यूजर एंटर, पासवर्ड रखना चाहो तो आप पासवर्ड रख सकते हो, एंटर मार दिया मैंने। ये कुछ वो है आपसे सिक्योरिटी पूछता है, तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो आप। सबको नेक्स्ट। ये हमारा पीसी अब आपके, हमारी विंडो स्टार्ट हो गई है, लास्ट स्टेप भी हमने कंप्लीट कर दिया, वी गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। अब हमें ये डेस्कटॉप पे लेके जाएगी, कुछ सेकंड का टाइम लेगी, उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी बताऊंगा, विंडो एक्टिवेशन की सब कुछ दिखाऊंगा आपको। ये हमारा कुछ सेकंड का टाइम ले लिया इसने, ऑलमोस्ट देयर। ये देखिए दोस्तों सबसे लास्ट डेस्कटॉप पे भी आ गया, हम इसको क्लोज करूँगा, डेस्कटॉप पे आइकन भी ला के दिखाऊंगा आपको कैसे लाते हैं सिस्टम में।
इसको अनपिन कर देते हैं। डेस्कटॉप आइकन राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे हम जाएंगे थीम में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे डेस्कटॉप आइकन, सबको टिक करके अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी विंडो जो है डन हो चुकी है इंस्टॉल होके। अब मैं जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो डालेंगे, इसकी दूसरी वीडियो में मैं बता दूंगा जो भी सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस वगैरह कैसे डालते हैं। तो दोस्तों बताइए कमेंट में कैसी लगी आपको वीडियो, बने रहिए जीके टीवी चैनल पे। चैनल पे नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।